हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन क्विजीन। आज मैं बनाऊंगी गोभी की सब्जी, वो भी एक नए तरीके से। अगर आपको भी ये नया तरीका अपनाना हो तो मेरे रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए लेट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पे पहले हम कढ़ाई में ज़रा सा तेल लेंगे और इसे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा तेल जो है वो पूरे तरीके से गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम की पनीर के टुकड़े लिए हैं, उसे हम फ्राई कर लेंगे। इस पनीर को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके निकाल देंगे। अब हम पनीर को दूसरे ओर पलट लेंगे। अब हमारी पनीर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के गोभी के पीसेस को लिया है, अब इसे भी इस बचे हुए तेल में फ्राई कर लेंगे। गोभी को डालने के बाद अब इसको एक बार अच्छे से चला लेंगे। अब इस गोभी में मैं हल्दी और नमक डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने आधी चम्मच हल्दी, आधे चम्मच नमक डालकर अच्छे से फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हो हमारी गोभी जो है वो फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। अब मैं इस बचे हुए तेल में दो दालचीनी के टुकड़े, एक लौंग, दो इलायची डालूंगी। अब इसके बाद एक बड़ा साइज की कटा हुआ प्याज भी डालकर हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम इस प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, उसके बाद सारे मसालों को भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब हमारी प्याज जो है वो हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें हम सारे मसालों को ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे दो चम्मच अदरक जीरा लहसुन का पेस्ट लिया है। अदरक जीरा लहसुन जो ली है मैंने, इसकी रेशियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिख दूंगी। अब इसमें मैं आधा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारे सारे जो मसाले हैं इसको अच्छे से फ्राई करना है, अदरवाइज इसकी जो कच्ची स्मेल होगी वो हमारे सब्जी में आएगी। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं पहले। अब मैं यहाँ पे 3 चम्मच 4 मगज का पेस्ट लूंगी। मैंने यहाँ पे पहले से मगज को 15 मिनट कर भिगो कर उसको पेस्ट बना लिया था। यहाँ पे मगज को यूज करने से हमारी ग्रेवी जो है और भी टेस्टी बन जाती है। अब हम इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अरे सारे मसाले अच्छे से फ्राई होने के बाद अब मैं इसमें 1 कप टमाटर का पेस्ट यूज़ करूँगी। इसे मैंने 2 बड़े टमाटरों को ब्लेंड करके पेस्ट बना दिया था। अब इस टमाटर का कच्चापन दूर हटाने के लिए हम इसे भी 5 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। अब ये मसाले पूरे तरीके से पक चुके हैं, अब इसमें हम तला हुआ गोभी को ऐड कर लेंगे। अब मैं इसमें पनीर भी ऐड कर लूँगी जो मैंने पहले से तल कर रखा था। अब मैं इसमें 1 कप हरा मटर डालूँगी। इसमें ज़रा सा पानी ऐड करेंगे।
अब हम इसमें हाफ कप दही को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने एकदम फ्रेश दही यूज़ किया है। अब हम इस दही को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आप देख सकते हो हमारे मसाले एंड ऑयल जो है वो एक दूसरे से अलग हो चुकी हैं। अब हम इसमें एक ग्लास पानी यूज़ करेंगे। हमारी गोभी की सब्जी जो है वो लगभग रेडी हो चुकी है। बस और एक इंग्रेडिएंट इसमें डालना है, उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब हम इसमें ज़रा सा हरा धनिया यूज़ करेंगे, जिससे हमारा गोभी का सब्जी जो है और भी फ्लेवरफुल बन जाएगी। तो हमारी गोभी की सब्जी रेडी है। तो आप अब इसे गर्मा गर्म रोटियों के साथ या फिर चावल के साथ भी परोस सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।